ये लोगों को बेवकूफ बनाते रहे हैं वोट को इज्जत होकर नारा लगा के। हम जब हाजिर सर्विस थे ना जनरल, तो अपने आप को रिटायर्ड जनरल समझते थे। अल्लाह का करम है, इतना इज्जत और इंकसारी थी। वो जो वोट को बेइज्जत किसने किया था ये तो बता दें आज। वो दोनों वोट को इज्जत दो, और ये जो आर्मी चीफ कैंट है इसको हमें अलग नजर से देखना होगा, ये एक चीज नहीं है। और इसको उनकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए, इनकी अकलमंदी समझना। आप लोगों ने छोड़ा क्यों अगर इतने अच्छे सर? वे वोट को इज्जत से आर्मी चीफ का एक्सटेंशन दो तक का सफर नून लीग का क्या जवाब दूँ? पार्टी ने तो ऐलान कर दिया कि वो वोट को इज्जत जरूर देंगे। पार्टी और इज्जत तो पहले दिन भी हम दे रहे हैं जी, पार्टी ने फैसला और आप देंगे। मैं तो कल बताऊंगा जी कि देना है। अस्सलाम वालेकुम, मतीउल्लाह जान, MJTV। आज हम पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद हैं और आज ही के दिन बड़ी अपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नून ने ऐलान किया है कि वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से जो असम्बली कानून साजी करने जा रही है उस कानून साजी की हिमायत करेगी। और यकीनी तौर पर ये एक बड़ा हैरान कन ऐलान था उन तमाम लोगों के लिए जो ये समझते थे कि असूली तौर पर कोई भी शख्स नागुजीर नहीं होता और फौज के नए सरबराह को इदारे की सरबराही संभालनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आइन में भी और कानून में भी इसकी गुंजाइश नहीं है, मगर हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ को यू टर्न का ताना देने वाली नून लीग जो है आज उसने भी बहुत बड़ा यू टर्न लिया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ लंदन में बैठ के उनकी तरफ से ये फैसला आ गया है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की हिमायत की जाएगी। हमने सोचा क्यों ना पार्लियामेंट हाउस के सामने जाके नून लीग के अरकान असम्बली और सेनेटर हजरात से ज़रा मालूम करें कि वो वोट को इज्जत दो के नारे से आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दो के नारे तक का उनका सफ़र कैसा गुजरा। आइए देखते हैं क्या क्या दलाइल देते हैं और क्या क्या तशरीहें की जा रही हैं। आज आपको खलाई मखलूक और महकमा ज़रात के भी नए मानी मालूम होंगे नून लीग के सियासतदानों से। आइए देखते हैं। जो वोट को इज्जत दो से आर्मी चीफ का एक्सटेंशन दो तक का सफर कैसा रहा? ये देखिए, इसमें पार्टी ने बड़ी सोबतें बर्दाश्त की, बड़ी मुश्किलात बर्दाश्त की, अब मजीद बर्दाश्त नहीं होता। और अब ये सच कह रहे हैं कि यही अंदिया इस फैसले से जाएगा कि हम पार्टी की इस फैसले से ना सिर्फ नाखुश हैं बल्कि इस फैसले के खिलाफ पार्टी के अंदर भी आवाज़ उठाई है, क़यादत तक भी अपना पैगाम पहुँचाया कि वोट को इज्जत देकर नारा जो है वो आज पब्लिक में पेनिट्रेट कर गया है। लोग चाहते हैं कि आप स्टैंड करें, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए आप स्टैंड करें, मगर अनफॉर्चुनेटली माजी की तरह आज भी हम मसलहत का शिकार हुए हैं। आज भी नज़रिया ज़रूरत हमारे पांव जकड़े हुए खड़ा है और आज भी हमने वही फैसला किया है जिस पर हम माजी में नदामत करते रहे हैं, माजी में उसको डिसऑन करते रहे हैं, आज वही फैसला हमने दोबारा किया। वैसे आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने से वोट की बेइज्जती कैसे होगी जी? देखें, आपने फिर ये नारा नहीं लगाना था। तो किस, उस नारे का आर्मी चीफ की, आर्मी चीफ से क्या ताल्लुक था उस नारे का? किस इदारे ने आपके इलेक्शन को मॉनिटर किया? किस इदारे के ऊपर आपके क्वेश्चन मार्क थे? किस इदारे के खिलाफ आपने आके पब्लिक के अंदर ये ऑन किया कि हमारे साथ ज्यादती इस PTI की हुकूमत ने नहीं बल्कि किसी इदारे ने की है? तो आज आप उसको, आप किसी शख्स के लिए कानून ना लेके आए। अगर आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को देना है एक्सटेंशन देनी है तो एक स्कूल मास्टर का क्या कसूर है? एक क्लर्क का क्या कसूर है? अगर 63 ईयर्स आपने करनी है तो एक क्रॉस दी बोर्ड आप करें और सबको आप दें। तो एयर चीफ और नेवी चीफ जी, एयर चीफ को दें, नेवी चीफ को दें, तो आप एक क्लर्क को भी दें, एक टीचर को भी दें, एक आप असाज़ा को दें, एक आप वहाँ पे किसी भी ऐसे। लेकिन बात यह कि आप आज, आपको याद आ गया कि किस इदारे पे सवाल थे। आप लोगों में इदारे का नाम लेने की तो कभी हिम्मत नहीं पड़ी, कभी उसे खलाई मखलूक कह रहे, कभी उसे महकमा ज़रात कह रहे, आज भी आप कह रहे हैं इदारा। आप आज नाम ले लेना, आप मियाँ साहब से गिला कर रहे हैं क़यादत से, आप खुद भी तो नाम नहीं लेते जी। देखिए, मैंने तो खुद 1.5 साल उनको बर्दाश्त किया है, 1.5 साल जिनकी बात आप भी समझ रहे हैं, मैं भी आपको बता रहा हूँ कि मैंने उनके खिलाफ ना सिर्फ जहाद किया है बल्कि इलेक्शन डे से मेरे ऊपर और मेरे सरगोधा के कॉन्स्टिट्यूएंसी में 274 लोगों के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात थे। हमने किसी जगह पे, किसी फोरम पे जाके भीख नहीं मांगी, अपनी लीगल फाइट की है और अल्लाह के फजल और करम से वहाँ से हम सुरखरू हुए हैं। कि आज अफसोस है कि इस फैसले के ऊपर
जो क़यादत ने किया। तो फिर आप सिर्फ अफसोस ही करेंगे या कुछ और भी करेंगे? देखिए जी, अभी तो इस पर कबल इस वक्त है कुछ कहना। कल जब पार्लियामेंट में ये चीज़ आएगी तो इंशाल्लाह वहाँ पे मुनासिब फैसला करेंगे। बहरहाल पार्टी ने फैसला कर लिया कि आपने एक्सटेंशन के लिए वोट देना है। जी, पार्टी ने फैसला किया और आप देंगे? मैं तो कल बताऊंगा जी कि देना है। अच्छा, इस वक्त ये पोजीशन इतना सेंसिटिव ही मैटर है, मैं नहीं समझता कि इसको इतना ओपनली डिबेट। ये सेंसिटिव किसके लिए है? नवाज शरीफ साहब के लिए है, शहबाज शरीफ साहब के लिए है, किसके लिए? ये मुल्क के लिए सेंसिटिव है। आज आपने इंडिया का देखा, उन्होंने तो ये जो धांधली के इल्जाम लगाते रहे हैं आप, तो वो मुल्क के इदारे के लिए सेंसिटिव नहीं था? वो आप इल्जाम तमाम वापस लेते हैं, कभी कलाई मखलूक, कभी महकमा ज़रात, वो सब क्या था? नहीं, किस पे हम इल्जाम लगाते? जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो आज भी लगा रहे हैं, इल्ज़ामात तो हम आज भी लगा रहे हैं। जिस तरह इलेक्शन हुआ, मसलन मेरे यहाँ इलेक्शन हुआ, अब आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो सुने ना जी जी। कि मेरे यहाँ इलेक्शन हुआ, सबसे पहले तो लोगों को खड़ा ही नहीं करने दिया गया। 8 सीटें थी PMLN की मेरे हल्के, मेरे इलाके में, जंग में, चनियोट में और हमारे साथ वाले फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट की 2 थी। 8 सीटिंग मेंबरों से नेशनल असम्बली के, जो मुस्लिम लीग के थे, किसी को खड़ा ही नहीं किया गया। उन्होंने कहा जी हमने वोट ही नहीं लेते, इतना प्रेशर डाला गया। किसका प्रेशर था? प्रेशर था ना जी, मीडिया का प्रेशर था, आप लोग जिस तरह बातें कर रहे थे लोगों का। और अच्छा, ये धांधली मीडिया ने करवाई है? नहीं, मीडिया ने धांधली नहीं कराई। हाँ। मीडिया ने वो माहौल क्रिएट नहीं किया। अगर आप समझे, वन साइडेड जब आप बात करेंगे। खलाई मखलूक किसको कहते थे आपके लीडर? मुझे तो नहीं पता, वो तो लीडर साहब से पूछे, मेरे नॉलेज में तो ना उन्होंने मुझे बताया आज तक कि खलाई मखलूक किसका नाम है। अच्छा, मेरे नॉलेज में। वैसे धांधली हुई थी इलेक्शन में? वो जबरदस्त धांधली हुई। अच्छा, इतनी धांधली हुई है जो मैं जो गवाह हूँ। आप मेरे इलाके में, जिम्मेदार कौन था? वो जिम्मेदार तो सारे मेरे यहाँ डीसी ने मसलन मेरे खिलाफ की, मैं जिम्मेदार का। आपको मैंने डीसी को क्या, डीसी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हो, मैंने एक्सटेंशन उनको क्या देनी? डीसी ने लिख के दे दिया कि मेरा जो है मुझे पहले ही नायल कर दिया ये। मैं फिर इलेक्शन कमीशन में गया मुझे, और सारी सारी रात हमें वोट रिजल्ट नहीं दिया गया। सर सवाल ये है, इतना कुछ होने के बाद लोगों को आप बताते रहे धांधली हुई है, फ्रॉड हुआ है, वोट को इज्जत देने के नारे मारते रहे हैं, अब आपका यू टर्न इतना बड़ा जो नून लीग ने लिया है, तो ये आप कैसा महसूस कर रहे हैं बतौर सियासतदान? आप जरा मेरी बात को या तो मुकम्मल होने दें। हाँ। ऐसा करें, मेरे हलके में अभी चले जाएं, जीता मैं हूँ, जो हारा हुआ है उसके सारे देहातों में अभी भी पोस्टर लगे हुए हैं। मुझे मेरा पोस्टर ही नहीं लगाने दिया मुझे जब भाई हकूमत ने, मैं आपको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप बार बार पूछ रहे हैं कौन, मैंने आप जरा समझने की कोशिश की। धांधली ये हुई है कि इस वक्त आप एक डेलीगेशन लेके चले, मैं जीता हूँ, मेरे किसी देहात में मेरा कोई बैनर नहीं है, मेरा कोई पोस्टर आज नहीं है, उनका लगा हुआ है मेरे मुखालफीन का। धांधली आप किसको बोलते हैं? मेरा ये है कि 6-6, 8-8 घंटे में रिजल्ट नहीं दिया गया, 8,000 या 9,000 वोटों को रिजेक्ट कर दिया गया डबल करके क्रॉस। तो ये सब धांधलियाँ हुई हैं वहाँ पे। तो अगर आप बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान में जब तक खुल के सही तरह इलेक्शन नहीं होंगे और ये लोगों को उनका मैंडेट ही नहीं दिया जाएगा, तो फिर क्या होगा रिजल्ट? और आपको ये पता ही नहीं है कि पूरे मुल्क में धांधली कैसे हुई है? मैं तो अपने हलके का आपको बता सकता हूँ, जो मेरा मुल्क आप जिम्मेदार मुझे पूरे देखे ना, मैंने जाके वहाँ देखा तो नहीं, तो आपने देखा का तो आपका काम था ना मीडिया का, आपकी पार्टी का जो मौकफ था उससे आपकी पार्टी तो जब की है। नहीं नहीं, पार्टी को तो मैंने जैसे हम हर बंदे ने अपनी पार्टी को बताया, तो पार्टी का तो तभी मौकफ बनता है ना कि जब लोगों से वो अपने MLA से सुनते हैं कि क्या हुआ वहाँ पर। हर जगह तो पार्टी, मेरे यहाँ तो कोई पार्टी वाला आया ही नहीं, कोई लीडर भी नहीं आया, मेरे हलके में तो कोई नहीं आया, मैं ही मौजूद था ना। अगर पार्टी तो मैंने ऐसा कर लिया है कि एक्सटेंशन के लिए कानून साजी को वोट देना है, तो आप इसकी हिमायत करते हैं ज़ाती तौर पर बतौर सियासतदान? ये दुरुस्त है एक्सटेंशन देना आर्मी चीफ को? मैं पहले ही आपसे कह रहा हूँ, जब तक ये असम्बली में आएगा नहीं, असम्बली में आएगा वहाँ पे डिबेट का मतलब, आप मेरे साथ, आप पहले असूली मौके बगैर आर्गुमेंट सुने कभी आप दे सकते हैं? कौन सा असूली मौके? आप इतने पुराने सियासतदान हैं, आपको नहीं पता आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है? पहले आप इससे पहले देते नहीं रहे हैं क्या? क्या उस वक्त के आप बात तो ये नहीं हो रही? मैं तो ये चाह रहा हूँ, मैं अपना कोई भी मौका इस वक्त देना नहीं चाहता। मैं चाह रहा हूँ कि कल मैं डिबेट सुनूँ। असम्बली के मेंबर का मतलब क्या होता है कि पहले ही अगर वो इरादा बना के आए और अपना मौका भी दे दे, कल इतनी चीजें आ सकती हैं क्या? हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू सुन लीजिए। इन कैमरा डिबेट होगी, खुफिया होगी या ओपन होगी? मेरे ख्याल में तो ओपन होगी, अभी तक इन कैमरा की तो कोई बात नहीं, बहुत सेंसिटिव मामला है, बहुत सेंसिटिव मामला है। और ये इन कैमरा भी होनी चाहिए? नहीं, मैं कुछ देखे ना, जो फैसला होगा फिर दोबारा बात वही हो रही है ना कि जब कल डिस्कशन हो, इसमें भी डिस्कशन हो सकती है कि भाई इन कैमरा हो जिन्हें, ये तो ज्यादातर मेजॉरिटी मेंबर्स जो चाहेंगे वो फैसला। वैसे नेवी चीफ और एयर चीफ के लिए भी एक्सटेंशन का कानून पास होना चाहिए?
क्योंकि ये सारा जितना भी कानून है कल डिबेट होगा, बिल्कुल वो भी डिबेट हो सकती है कि सब के एक्सटेंड देखें जो आया अपना अपने सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने सारा ये कारण कि आपका कोई कानून ही नहीं है। कोई कानून तो वादे लेके आए ना, कानून आ जाए कोई गल, कानून बनाना पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट के सामने कल केस आया, बड़ा अच्छा हुआ पाकिस्तान की तारीख में हिस्ट्री बन रही है कि एक चीज़ जो है जो क्लियर नहीं थी उसका क्लियर होने के लिए कल डिस्कस होगा। पर आपकी पार्टी का है मैं वोट कर दो के नारे पे, मैं अभी आपकी देखो ना पार्टी के सही, पार्टी ने तो कल अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेंबर्स देंगे, पार्टी के मेंबर भी आज जो एक नहीं, मैं कह रहा हूँ वोट को इज्जत दो, एक्सटेंशन की बात है, वोट को इज्जत दो पे कायम है इज्जत लोगों को, तो लेकिन आप क्या कोई पाकिस्तान का एक बंदा भी कह सकता है कि वोट को इज्जत नहीं होनी चाहिए, मतलब ये कहने की बात है, नहीं कहने की बात तो ये मुराद ये कि नहीं होनी चाहिए क्या, या कोई किसी एक का भी व्यू ये होगा कि वोट को इज्जत ना चाहिए, अगर ये बात किया तो नई बात नहीं की, ये तो सारे कोई नई नई बात बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ये होना चाहिए, ये असूल की बात है बिल्कुल। थैंक यू सर, सर वोट को इज्जत भी दे रहे सर, वोट को इज्जत से आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दो तक का सफर नून लीग का कैसे ना जवाब दूं, तो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। सर ये बताइए सर, वैसे आप पर्सनली समझते हैं कि ऐसा हो जाना चाहिए? मैं एक पार्टी का रुकन हूँ और वो पार्टी जो फैसला करती है तो ये कौमी मफाद में फैसला हुआ है या किस तरह क्या कंसीडरेशन क्या? देख मैं एक पॉलिटिकल कारकुन हूँ और पाबंद हूँ अपनी पार्टी। सर तो रायल शिप बेचारे का क्या कसूर था? खाजा साहब थैंक यू, आप तो आप ही माइंड करते फिर सफाशा बुआ के नहीं करो ना देखो सर सर ओ आई से मिला थोड़ा बोलन ना सर। हमारे साथ डॉक्टर उमेश कुमार मौजूद हैं जो सबका नून लीग और मौजूदा पीटीआई में के अभी एमएनए हैं, और रमेश कुमार साहब आज जो आपकी सबका पार्टी और सबका कायद नवाज शरीफ ने आज जो है आर्मी चीफ का एक्सटेंशन देने का फैसला किया है मशहूर, तो आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए मैं समझता हूँ कि नून लीग एक के अंदर बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं, वो पाकिस्तान की सेंसिटी को भी समझते हैं, वो इदारे की सेंसिटी को भी समझते हैं, और वो समझते हैं कि जो इस वक्त खिते की सूरत हाल है उस सूरत हाल के अंदर इस इदारे को जो है वो उसके ऊपर कोई सियासत वो नहीं होनी चाहिए, और यूनानी मसली इसको सपोर्ट करना चाहिए, और उन्होंने यूनिटी दिखाई है, मैच्योरिटी की बात की है, और इसको उनकी कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए, इनकी अकलमंदी समझना चाहिए। आप लोगों ने छोड़ा क्यों अगर इतने अच्छे थे? आज देखें ये वक्त और हालात के हिसाब से ये सारी चीज़ें होती हैं, जब जो चीज़ें गलत होती हैं उस टाइम पे उनको गलत कहा जाता है, जब वो चीज़ें सही हो जाती हैं तो उनको सही कहा जाता सही है। सही हो गए तो आप वापस जाएंगे नून लीग? मैं पहले भी देखें मैं जिस थाली में खाता हूँ उसमें थूकता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास अपना ज़मीर है, और मैं आज भी चाहे मुशरफ के साथ काम किया मैंने, चाहे नून लीग के साथ किया, चाहे पीटीआई के साथ किया, जहाँ पे रहा अपने ज़मीर को ज़िंदा रख के और सब चीज़ें सही उनको जो इंडिकेट करता रहा कि ये सही चीज़ें होनी चाहिए, मगर फिर भी ऐसी नहीं है कि आज आप उसकी कभी वतीरे जो है वो गाती थी और आज आप उनको ही जो है वो अच्छा जनरल राइट शेफ को एक्सटेंशन ना देने का मशवरा आपने दिया था नवाज शरीफ साहब? देखिए मैं समझता हूँ कि जनरल राइट शरीफ खुद भी जो है वो लेने के लिए तैयार नहीं थे, और उन्होंने खुद आपको बताया नहीं मुझे उस चीज़ का इतना ज़्यादा, मगर उस वक्त जो चीज़ें सुनी थी उसका ये इलाज। तो अब जो वोट को इज्जत देने का नारा लगा था और खलाई मखलूक और महकमा ज़रात की बातें होती थी उनसे आप क्या मतलब लेते थे, उनका किस तरफ इशारा होता था? मतलब जना आप मेरी बात चलाएंगे नहीं, वैसे आप हमेशा वोट को इज्जत दो को इदारों के टकराव के साथ आप रिलेट करते हैं ना, ये चीज़ें सही नहीं। मैं तो नहीं किया आप? नहीं नहीं मैं नहीं कर रहा। आप देखिए उनकी एक्सटेंशन हो या इदारे इस वक्त की जो है वो लेजिस्लेशन हो उसका वोट को इज्जत दो से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो चीज़ें जो पार्लियामेंटेरियन जो एंकर जो ये जो चीज़ें करती है ना ये गलत है। अच्छा इदारों का क्या मुराद थी उनकी? ये जो लोग कहते थे वो गलत कहते थे, नहीं क्या आज देर आए दुरुस्त आए, आज कम से कम उनको ये महसूस हुआ कि खलाई मखलूक नहीं है, अवाम है, अवाम ने इलेक्शन देनी है। 2002 से तो हर इलेक्शन मैं देख रहा हूँ, अगर 2002 की इलेक्शन, 2008 की इलेक्शन, 2013 की इलेक्शन, चारों इलेक्शन में मैं खुद देख कर आया हूँ, तो अगर आप इस इलेक्शन को अगर सिलेक्शन और खलाई मखलूक कहोगे तो ये सारी इलेक्शन फिर खलाई मखलूक। नेवी चीफ और एयर चीफ को भी एक्सटेंशन मिलनी चाहिए? देखें ये मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए इसका सवाबदी जो है वो प्राइम मिनिस्टर का है, वो पूरी
प्लस माइनस चीज़ें मेरिट्स डीमेरिट्स देख के, और ख्याल में बतौर कानून साज असम्बली के रुकन क्या बाकी लोगों के लिए भी कानून साजी होनी चाहिए? आज जो ये लेजिस्लेशन हो रही है वो चारों के लिए हो रही है, ये जो हो रही है उस हवाले से यही बातें आ रही है। कल डिस्कशन इसको फाइनल होगा, आज दूसरे भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के इसको ऑन बोर्ड लिया गया है तो बेहतरी होगी, आप फिक्र नहीं करें। आपके ख्याल में सियासी जमातों ने मुल्की मफाद में इत्तेफाक किया है इस मामले पे या कोई सियासी मफादात भी है इसमें? आपको क्या लगता है? मैं समझता हूँ मैच्योरिटी की बात की है और उन्होंने मुल्की मफाद में ये डिसीशन लिया। किसी किस्म का प्रेशर जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कोई ऐसा प्रेशर नहीं, मतलब नवाज शरीफ साहब ने मुल्की मफाद में ये फैसला लिया है। लाजमी है, आपकी तो लंदन में भी कैमराएं लगी हुई हैं, अगर कोई वहाँ पे मिलने गया होता तो आपको वहाँ पे भी पता चल जाएगा। तो आपकी पार्टी नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो जवाब लगाती रही है कि मुल्क के वफादार नहीं है, डॉन लीक्स किया है, वो सब कुछ गलत था? मैं इस चीज़ों को बिल्कुल रिग्रेट करता हूँ। किसी की वफादारी के ऊपर किसी पोलिटिकल पार्टी के लीडर को कोई हक नहीं है, चाहे आज कोई इमरान खान साहब के लिए कहता है या कल कोई मियां नवाज शरीफ के लिए कहता था कि जो मोदी का यार है। मैं समझता हूँ ये सारे नारे गलत हैं, माजी में हुए वो भी गलत हैं, आज हो रहे हैं वो भी। कमल साहब, ये जो नून लीग ने वोट को इज्जत दो की इशारा से जो यू टर्न लेके चीफ को एक्सटेंशन दो का सफर शुरू किया है, इस पर आप वोटर के लिए कुछ वजात पेश करना चाहेंगे? सर, गुजारिश ये है कि इन चीज़ों को दोनों को वोट को इज़्ज़त दो और ये जो आर्मी चीफ का एक्ट है इसको हमें अलहदा नज़र से देखना होगा, ये एक चीज़ नहीं है। वोट को इज़्ज़त दो, ज़ाहिर है ये मुल्क वोट की बुनियाद पर बना था तो वो तो हमारा नैरेटिव है और वो रहेगा, उसमें तो कोई हमने नहीं कहा कि हम वोट को इज़्ज़त दो के नारे से या उस नैरेटिव से दस्तबरदार हो गए हैं। चूँकि ये एक मामला एक सेंसिटिव है और स्पेशली जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस और उनका इंस्टीट्यूट है जो वो काफ़ी सेंसिटिव है, खित्ते में जिस वक्त हालात हैं आप देख रहे हैं बाउंड्रीज़ पर जो सरहदों पर जो मामला चल रहे हैं, तो उसमें हम नहीं चाहते थे कि इस मामले को कोई मुतनाज़ा बनाया जाए, ठीक है ना जी। इसलिए और ज़ाहिर है ये एक अहम मामला था और उसके लिए, लेकिन ये दोनों चीज़ें इसको मेरी यही गुजारिश होगी कि अलहदा तनाजुर में देखा जाए। तो ये वोट को इज़्ज़त दो का जो नारा लगाया था तो आप ये बताना चाहेंगे कि वोट को बेइज्जत किसने किया था? देखिए जी, वोट को तो सही बात है अगर आप पूछें तो जिन लोगों ने भी वोट की सेंक्टिटी के साथ या वोट की जो हुरमत है उसके साथ जिन्होंने मजाक किया उनको सब लोग जानते हैं। नहीं, आप बताएं ना, ये जो लोग थे जिनको ज़ाहिर हमारे चेहरे नहीं पसंद थे, ये कौन लोग थे? क्योंकि आपने वोटरों को गुमराह किया ये कह के धांधली हुई है, वोट बेइज्जती हुई है, बिल्कुल धांधली। और आपने आज तक ये नहीं बताया कि ये बेइज्जती वोट की किसने? जिन जिन कुवतों ने की है ज़ाहिर है वो यही इस मुल्क के लोग थे। वो कुवतें कौन है वो आप भी जानते हैं, मेरे मुँह से क्यों गुनवाना चाहते हैं, मेरी तो बड़ी कमज़ोर गर्दन है। तो इस हवाले से आप ये समझते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा बतौर आर्मी चीफ जो हैं वो इस तरह के किसी भी चीज़ में शामिल नहीं थे, आप ये आज कैटेगोरिकली ऐलान कर रहे? देखिए, गुजारिश ये है, मैंने तो आपको कहा ना, आप इस चीज़ को बार बार इस तरफ ला रहे हैं, वोट को इज्जत दो या वोट की सैंक्टिटी जो है उसके लिए जो हमारी स्ट्रगल थी। आपका इशारा है कि आर्मी चीफ की तरफ बिल्कुल नहीं था? आर्मी चीफ का कभी नाम लिया किसी ने? आप बताइए मुझे। नहीं, नाम के बात नहीं, आपका इशारा भी नहीं था। नहीं, देखिए आप कह देना कि नहीं था, आप कह देना। देखिए, जिन लोगों ने भी उसमें, ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन का भी रोल होगा, इलेक्शन कमीशन के लोग भी तो ज़ाहिर थे ना, इलेक्शन कंडक्ट कराना किसकी जिम्मेदारी थी? ये वोट को इज्जतों का नारा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ? ये आप अपनी बात मेरे मुंह में न डालें, मैं आपको अर्ज फिर ये कर रहा हूँ कि इन दोनों चीज़ों का बलहदा देखें, इसको क्लब ना करें। आर्मी चीफ का जो एक्सटेंशन का इशू है वो प्योरली एक हसास मामला है और उसको हमें उसकी उसी तनाजुर में देखना चाहिए। वोट को इज्जत दो का जहाँ तक नारा था, हसास मामला नहीं है। वोट को इज्जत दो का जो नारा था वो नैरेटिव है हमारा और इंशाल्लाह ताला रहेगा। देखिए, लोगों को तो आपने एक किस्म का ये तासर दिया कि इसमें इदारे मुलव्वस हैं, गुमराह किया लोगों को, इदारों के खलाई मखलूक कहा गया, महकमा ज़रात कहा गया, और अब आप जाके कह रहे हैं कि वो एक अलहदा मामला है। नहीं, मैंने तो ये कहा है ना कि इस मामले के साथ आप नथी न कीजिए, जो आप एक्सटेंशन के साथ मामले नथी कर रहे हैं, दिस इज़ प्योरली अ सेपरेट इशू। वो एक सेपरेट इशू है, वो जो कहा गया
जो किसी ने कहा वो जाहिर है वो उस हालात के मुताबिक जो बात थी वो कही गई। अच्छा, आज आप क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जो भी इलेक्शन में धांधली हुई उसमें कोई भी कौमी सलामती का इदारा मुलव्वस नहीं था, आप ये कह रहे हैं नहीं था? मैं कौमी सलामती के इदारों को बिल्कुल इसमें नहीं मुलव्वस करूँगा, ठीक है। जिन लोगों ने को अपनी इंडिविजुअल लेवल पर अपनी इनफरादी हैसियत में अगर किसी ने कोई किया तो उसे नहीं करना। इनफरादी हैसियत में क्या मुराद? मतलब मैं एक इनफरादी तौर पर, मैं किसी मैं सिर्फ पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं बाहर जाके कोई अगर कोई ऐसी बात कर देता हूँ जो कि गलत बात नहीं, तो आपका पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट को तो नहीं ना आप आप ये कहना चाह रहे हैं कि फौज के अंदर, फौज के अंदर कोई अफराद थे? मैं बड़ा क्लियर, मैं बड़ा, आप फौज का लफ्ज यूज कर रहे हैं ना, मैं नाम नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर कुछ लोगों ने अगर इंफरादी तौर पर, लोग कौन से इदारे से थे वो अब तलाश कर रहे हैं, आप भी हमारी मदद कीजिए। तो आपकी मुश्किलात में कुछ कमी होगी ये जो आप आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दो के नारे के साथ आए हैं? इसमें बड़ी क्लैरिटी है इसमें भी मोदी साहब कि ये हमने इस पर कोई अपनी ना कोई शर्त है इसमें हमारी, ना ही को हमने कोई बारगेनिंग टूल के तौर पर यूज़ ना किया है। ये एक कौम के मफाद में एक चूँकि एहसास इदारा है, आप मुझे एक सवाल का जवाब दे रहे हैं जहाँ बॉर्डर पर जो सिचुएशन है, कश्मीर का इशू है, आपके पास मोदी बैठा हुआ है उधर, या तो आप फिर हिंदुस्तान को, भारत को, या नेबर उठ से उठा के कहीं और ले जाएं। तो फिर जनरल राइल शरीफ का क्या कसूर था? क्या आप जो नोनली कहती है राइल शरीफ भी एक्सटेंशन चाहते थे लेकिन आपने दी नहीं, उनका क्या कसूर था? उस बारे में मेरी मालूम नहीं। आप तो बड़े आम पोजीशन में थे उस वक्त, प्राइम मिनिस्टर के करीब थे, आप कहते हैं मालूम नहीं। ज़रूरी नहीं कि गुरबत का करीब होने का ये मकसद हो कि हर चीज़ मुझसे डिस्कस करें, लेकिन आप मानते हैं कि नून लीग का ही मौका था कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, ये मौका रहा है? अच्छा, अगर ऐसा ना हो, लेकिन चूंकि अब हालात ऐसे हो गए और फिर ये मामला हुकूमत की, आप हुकूमत की नाहली की तरफ नहीं ना जा रहे, आप सारा मलबा हमारे पे डालना चाह रहे हैं। इस हुकूमत की भी तो नाहली देखे ना, जिन्होंने जो मिस्टेक्स की हैं ड्राफ्ट में कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और जो मुतनाज़िया बनाया हुकूमत की तरफ से, हम तो कम अज़ कम जो सुप्रीम कोर्ट ने रोड मैप दिया है हम तो उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है जी कि इसको करे पार्लियामेंट, इसकी जो भी नोक पलंग सवार है इसमें जो कमियां बेशी हैं उनको दूर करे, तो हम तो वो भी मद्देनजर रखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट की एक हिदायत के मुताबिक भी हम ये इसमें करेंगे इसको। अच्छा, अब मरीम नवाज भी बाहर जा रहे हैं? अभी मेरे नहीं लगते उस बात में, क्योंकि उनके तो अभी जो हाईकोर्ट में थी उनकी एप्लीकेशन वो चली गई थी इधर वजारत दाखिला को, तो अभी तक उस मामले में के फर्जर क्या उसको पेश कर सर। एक नारा तो मारते वोट को इधर, वो तो ज़रूर वो सारी कौम मारेगी, आप मुझसे क्यों मरवा रहे हैं नारा, सारी कौम एक दिन मैं आप देखना चाहता हूँ आप नारा मारते हैं आप कैसा महसूस नहीं करें? मैं ये नारों की जो सियासत है ना, मतलब मैं उस नैरेटिव में बिलीव करता हूँ, लेकिन नारे वारे जो उनसे हैं ये मुनासिब नहीं है इस वक्त, मैं यहाँ खड़े हो गए हम नारे उनसे लगवाएंगे, लेकिन आई स्टिल सपोर्ट दैट नैरेटिव, क्योंकि मैं समझता हूँ क्यों मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, उसकी जस्टिफिकेशन आपको देता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान भी वोट की बुनियाद पर। सर, थैंक यू सर। खलाई मखलूक को महकमा ज़रात आप लोग किसको कहते रहे? आप उसकी स्पिरिट में नहीं जा रहे, आप मेरा कोई और, आपने इल्जाम लगाया खलाई मखलूक पे और इदारों पे आपने इल्जाम लगाया और आज आप कह रहे हैं कि वो उसका कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, हम ये नहीं बात कर रहे भाई, एक लॉ की आप बात कर रहे हैं, लॉ जो है एक सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि पार्लियामेंट इसको ब्लैक एंड वाइट में लाए और रेगुलेट करे, और रेगुलेट करने के लिए वो बिल आ रहे हैं जो हमारे सामने, लेकिन जिन पे आपने इल्जाम लगाए थे 25 जुलाई के दांधली पे है, तो आज आप इलेक्शन कमीशन ने, हम तो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने दांधली करवाई। अच्छा, ये इलेक्शन कमीशन था खलाई मखलूक? नहीं, खलाई मखलूक यार, किसी ने खलाई मखलूक कह दिया होगा, नवाज शरीफ साहब आपके लीडर ने कहा। अच्छा, तो उन्होंने देखा होगा कि ठीक है, उनकी इज्जत की होगी, इलेक्शन में नाम नहीं लिया होगा, तो नवाज शरीफ साहब खिलाई इलेक्शन कमीशन को खिलाई मखलूक कह रहे थे। मेरा ख्याल है ये देखिए, इन प्रिंसिपल जो हमारी जमात का स्टांस है ना, वो यही है कि ये आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड जो इश्यूज हैं या चीफ की एक्सटेंशन का मसला है, ये अगर प्रीरोगेटिव प्राइम मिनिस्टर का है तो वो अपनी सोच और समझ के मुताबिक अपना फैसला करे। इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा दे के हम इसको
किसी तरीके से भी कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहते, और ये मेरे ख्याल में बड़ी एक अकलमंदाना सोच है। प्राइम मिनिस्टर का एक प्रीरोगेटिव है कि कैसे करना है, और वो अपना इस पे फैसला कर लें, और हम ये समझते हैं कि बहुत से सीरियस मसाइल हैं मुल्क के लिए, और हम इस अदारे को इस तरीके से अपने मीडिया के अंदर ना उठा लें। 25 जुलाई के मतनाज़ा इलेक्शंस के बाद आपकी पार्टी और आपके लीडरान ने संगीन इल्ज़ाम लगाए इदारों पे, खलाई मखलूक का, महकमा ज़रात का, धांधली के इल्ज़ाम लगाए। उसके बाद आज जो है अचानक ये मुद्दत मुलाजमत में तोसी के बिल की हिमायत जो है, आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? एक तरफ से आप वोट को इज्जत देने की बात कर रहे थे, अब आप चीफ को एक्सटेंशन देने की बात कर रहे हैं। या देखें, हमारा मसला चीफ के साथ तो नहीं है ना, किसी के एक पर्सन के साथ तो नहीं था, लेकिन जब ये इलेक्शंस पिछले हुए थे तो उस वक्त जो हमारी जो स्टांस थी, जो मैं भी अपने तौर पर कहता रहा, मैं समझता हूँ कि अबूरी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है टू इंश्योर के ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। उस पर तहफ़ुज़ात थे जमातों के, और उनका वो इजहार करते रहे, और उसमें हमारा ये हमेशा स्टांस रहा है कि अदारों को ऑफकोर्स मुल्की सियासत के अंदर कभी भी मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये हम नहीं कहते, कायदे आज़म से लेकर 25 जुलाई को इदारों की मुदाखलत थी या नहीं, लेकिन नहीं, बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल नहीं कहता कि उनकी थी। हम ये तो, खलाई मखलूक नवाज शरीफ किसको कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, ये तो उनसे क्वेश्चन आप पूछ सकते। आपके लीडर है, आपने पूछा नहीं। देखिए, खलाई मखलूक से मतलब आपको उनका, ये आपकी अबूरी हुकूमत, आपका इलेक्शन कमीशन, ये खलाई मखलूक थी। बिल्कुल। तो फिर लोगों को क्यों नहीं आपने इसकी वजाहत की उस वक्त? या तो पहली दफा तो नहीं करना, नहीं, आज पहली दफा कुछ दिनों से आप लोग ये कहना शुरू हो गए हैं। तो इलेक्शन के दौरान जो फौज के खिलाफ जज्बात भड़काए गए, वो क्या था? खलाई मखलूक कह के और महकमा ज़रात कह के? लगता ये है कि अभी आपको जमात की जो स्टांस है वो पसंद नहीं आ रही, कि वो क्यों कह रहे हैं? ये जमात की स्टांस पुरानी है या अचानक है? नहीं, ये जमात की स्टांस तो हमेशा अदारों के एहतराम की बात है, हमेशा की तरह, और ये हमने उसको कहा भी। और मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि मैं जब कोर्ट लखपत जेल में मिलने भी गया नवाज शरीफ साहब को, और मैंने ये कई दफ़ा इंटरव्यूज़ में भी कहा है, और उस वक्त ये इशू जजेस का कुछ चला हुआ था, उस वक्त भी उन्होंने ये कहा कि मेरी ज़ाती तहफ़ुज़ात अपनी जगह हैं कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, जिसका मैं लीगल एक कोर्स अडाप्ट कर रहा हूँ, लेकिन अदारों का तहफ़ुज़ जो है वो हम नहीं करेंगे तो पाकिस्तान फिर किधर जाए। अच्छा, जनरल साहब कहते हैं ना, वंस अ जनरल ऑलवेज अ जनरल, आपको कभी कभी ख्याल आता है कि आप भी अपने लिए कोई कानून बनवा लेते, कोई तोसी करवा लेते? या देखिए, मैं आपको अपना बताऊं कि, और मैं अज़र ईमान ये कहता हूं कि हम जब हाजिर सर्विस थे ना जनरल, तो अपने आप को रिटायर्ड जनरल समझते थे, अल्लाह का करम है, इतना इज्जत और इनकसारी थी। और अब रिटायर्ड जनरल हैं तो हम अपने आप को हाजिर जनरल समझते हैं, आप हमें आज बॉर्डर पे ले जाएं और अल्लाह का करम है, हम अपनी जान आज भी तो देने। उस वक्त जब इतना इतने आजज और इनकसारी वाले जनरल होते थे तो आजकल नहीं है? नहीं, आई एम श्योर भरी हुई है फौज, अगर आपके पास सही लोग ना हो तो दुनिया के अंदर आपकी ये मानी फौज ना हो। आपके सिपाही से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक शहादतें लोगों ने दी, और मैं आपको सच्ची बताता हूँ, हमारी जो फौजियों की बैरिक्स हैं ये दरअसल मस्जिद हैं, और इनमें हर शख्स आर्मी चीफ बनने का अहल है। या इसके अंदर अफवाज पाकिस्तान में हर बंदा शायद अहल ना हो, जनरलों की बात कर रहा हूँ जी, लेकिन नीचे से जो ग्रूम होके आते हैं ऊपर, उनके टॉप पे चॉइस होता है चीफ एग्जीक्यूटिव का। ये ज़रूरी नहीं होता कि हर मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल बनने के फिट हो और हर लेफ्टिनेंट जनरल चीफ बनने के फिट। इस वक्त तो कोई आर्मी चीफ आपको नजर नहीं आ रहा नया, जो इस अहल हो के जिसको आर्मी चीफ बनाया जाए? नहीं, अहल तो सारे हैं इन लाइन। देखो, फौज के अंदर शहादत भी हो सकती है। तो फिर ये तोसी के लिए एक पार्लियामेंट कानून साजी करने क्यों बैठ रही है, एक फर्दे वाहिद के लिए? देखिए, ये तो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको एक्सटेंशन जो है उसको कवर करना चाहिए, चूंकि एक्सटेंशन होनी चाहिए या नहीं। देखिए, ऑफकोर्स अगर ये प्रीरोगेटिव प्राइम मिनिस्टर का है तो वो देखेगा हालात के मुताबिक। आपकी बतौर एक रिटायर्ड जनरल असूली राय क्या है कि क्या एक्सटेंशन आर्मी चीफ को देनी चाहिए या नहीं? देखिए, आप इस केस की बात ना करें, जनरली स्पीकिंग तो एक्सटेंशंस जो होती हैं वो नहीं की जाती हैं और ना की जाती रही हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरी हुआ वहाँ एक साल की भी हुई है और तीन साल की भी हुई है, आपने देखा कि, और इलेक्टेड गवर्नमेंट ने की है परवेज़ कियानी साहब की एक्सटेंशन। तो इसलिए मुल्की हालात के ऊपर, और साहब 6 साल एक फौज का सरबराह एक शख्स रहे, तो अगर ये रवायत पड़ गई तो फौज के अंदर कंपटीशन कहाँ जाएगा? ये बात आपकी ठीक है कि ये रवायत तो नहीं पढ़नी चाहिए, और आई एम श्योर ये वन टाइम मेजर है,
ये हमेशा कानून में आप डालेंगे कि वन टाइम मेयर? देखिए इसकी ये एक प्रीरोगेटिव है, ये एट द प्लेयर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आप कानून में डालना चाहेंगे कि ये वन टाइम होना चाहिए? देखिए मैं इसको क्यों उनकी प्राइम मिनिस्टर की जो उनके अख्तियारात हैं उनको कमी क्या की जाए? आपने कहा ना ये वन टाइम है। मैं समझता हूँ कि जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है उसकी इतनी विजडम और अकलमंदी होनी चाहिए कि वो सोचे कि हालात क्या हैं अदारे की। अब आप उसको इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं जब जिम्मेदारी और फैसले का वक्त है, पहले आप सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहते रहे। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ ना, मैं जो हमेशा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो या मेम्बर्स ऑफ द पार्लियामेंट हों वो इलेक्ट होके आते हैं, तो मैं कहता हूँ कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कभी भी वो उसको हमेशा ये सोचना चाहिए अदारे के मफादात में क्या है, मुल्क के मफाद के अंदर क्या है, और पर्सन ओरिएंटेड नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशन ओरिएंटेड और कंट्री रियासत के मफाद के लिए हमें फैसले करें। सियासी जमातों पे तनकीद होती है कि फर्द वायद और ख़ानदानों का कब्ज़ा है, तो इस तनकीद के बाद क्या ये तनकीद इदारे पर नहीं होगी? नहीं, अदारे पर कैसे तनकीद होगी? पॉइंट ये होता है कि अगर तो एक चीफ का बेटा चीफ बनने की ख्वाब देख रहा हो तो फिर तो बात है। यहाँ तो जो प्राइवेट आपको सियासत के अंदर तो आपने देखा ना ख़ानदानों का सिलसिला रहा जिसके ऊपर लोग मुतरिज होते हैं, तो अफवाज पाकिस्तान के अंदर तो मेरिट है। अफवाज पाकिस्तान भी तो एक ख़ानदान है, आपके फौज के तर्जुमान ने बात की या, लेकिन उसने उस पैराए में नहीं की है। ये डेफिनेटली हमारे अंदर जो कॉमरेडशिप है वो किसी अदारे में नहीं है। हम चूंकि हाथ में हाथ डाल के अपनी जान देते हैं, थोड़ा सा ऑनरेरियम हाथ पे रखा जाता है। आप जो रिटायर्ड जनरल सियासी जमातों को ज्वाइन करते हैं, आपकी पहली वफादारी अपने फौज से होती है और बाद में सियासी जमातों? मेरी पहली वफादारी पाकिस्तान के साथ है, और रिटायरमेंट के बाद किसी भी सियासत में आना ये मेरा आइनी और कानूनी हक है। 44 प्रेजिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनके उनमें से 31 ऐसे हैं जो फौज से आए हैं, तो यही एक ठीक तरीका है ना कि आप आएं, आप इलेक्शन। अमेरिका की मिसाल दी वहाँ पे, कितने अरसे फौज ने हुक्मरानी की, डिक्टेटरशिप। फौज की बिल्कुल डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए, ये तो आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। ये हमारे मुल्क है और ये हमेशा हर डिक्टेटर ने भी आके कहा है। आप परवेज मुशर्रफ साहब की कई तकारीर निकाल ली, वो तो आप जाती तौर पर समझते हैं कि एक्सटेंशन देने से फौज में गलत रवायत पड़ेगी? नहीं देखिए, ये आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में ना डालें। आपने कहा कि नहीं होनी चाहिए ना, आपने कहा एक्सटेंशन नहीं होनी। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि जनरली ये रूल तौर वो असूली तौर पे कभी भी नहीं होगा तीनों सर्विसेज की, लेकिन कि जब यहाँ जरूरत पड़ेगी प्राइम मिनिस्टर है, उसकी कैबिनेट है जो एट द हेल्म ऑफ द अफेयर है, जिनको हालात का अदराक है, अगर वो ये कहते हैं तो आई थिंक दैट हैज़ टू बी ऑनर्ड। तो फिर आखिर में वोट को इज्जत दो के नारे पे आप कायम? वोट को इज्जत दो के हर कोई कायम है, आप नहीं है कायम। आप जब एक इलेक्ट करके किसी बंदे को भेजते हैं तो आपको उसको रिगार्ड करना होगा, तो फर्शो। ये आप किसको कहते थे पहले वोट को इज्जत दो? इमरान खान को कहते थे, इलेक्शन कमीशन को कहते थे? देखिए हम ये कहते हैं कि हर स्टेज के ऊपर जब आपके साथ ज्यादती होती है तो आप कहते हैं। कौन ज्यादती करता है आपके साथ? देखे ना, ये माजी के अंदर अगर आप इस हुकूमत को गलत फैसले, आपने देखा ना जजेस के पास टेपे निकली हैं मुख्तलिफ, आपको पता है ना, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, सफेद बाल हो गए आप। ये सारा कसूर इन बेचारे जजों का था, ये खलाई मखलूक महकमा ज़रा ये जज थे? ये आपकी अपनी सोच होगी, मैं ये समझता हूँ कि हमें तो सजाएं जो हैं और रिमूवल अदालतों से हुआ, और हम ये समझते हैं कि और इसमें इदारों का कोई कसूर नहीं? नहीं, इदारों का मैं क्यों कहूँ कसूर, मेरे पास तो कोई अगर हो भी तो आप नहीं कहेंगे? नहीं, मेरे पास सबूत ही नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर गौस मोहम्मद खान नियाज़ी साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। तो नियाज़ी साहब, फिर आज जो नून लीग ने फैसला किया है कि जो कानून लाया जा रहा है आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का, उसकी हिमायत की जाएगी और गैर मशरूत हिमायत की जाएगी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त? देखिए जी, आज जब हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई थी और उसमें उन्होंने यही तय किया था, अब उसमें मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा थी, तो उसमें यही का जो मेजॉरिटी का यही था कि इस पर हम बिल की हिमायत करेंगे, और जो है इस पर ज़्यादा चूँकि कुछ का ख्याल था कि इन कैमरा इजलास होगा या वैसे होगा, तो बार पॉलिसी ये तय होगी कि उस पर अगर तो, और दूसरी फिर उन्होंने ये भी कहा था अभी तो ये वो है कंसेंसस, लेकिन अभी जॉइंट पोजीशन पार्टीज़ का इजलास होगा, उसमें जो मैं देख रहा हूँ कि कुछ पार्टियाँ जो हैं अभी मैं मिल रहा हूँ तो उनके कोई वो शायद सपोर्ट इसको उस तरह ना करें, तो अभी उसके बाद उन्होंने कहा जी कल हम आपको जो है मजीद जो है शायद कंसेंसस रात वो डेवलप हो जाए और फिर उस पर जो है फिर कल आपको कन्वे कर दी जाएगा पार्टी। तो ये पार्टी के अंदर इस फैसले से पहले कोई मशावरत की गई थी?
باضابطہ تو آج ہی میٹنگ تھی، اس میں مختلف ایم این ایز نے، اب سینیٹر صاحبان نے اپنا اپنا ویو دیا، اور اس پہ پھر اس کو انڈینز سب سے پہلے کس نے آغاز کیا اس گفتگو کا آپ کی پارٹی کے اجلاس میں؟ سب سے پہلے خواجہ صاحب تھے، خواجہ آصف صاحب جو کہ پارلیمانی لیڈر ہیں، انہوں نے اس پہ سارا اس کا نواز شریف صاحب کا کیا پیغام پہنچایا گیا؟ لیڈرشپ کو وہی تھا کہ لیڈرشپ اس پہ خواجہ آصف صاحب نے بتایا، خواجہ صاحب نے کہا، انہوں نے کیا کہا؟ خواجہ صاحب نے کوئی تو مجھے کوئی ایگزیکٹ فگر تو لفظ تو یاد نہیں ہے، لیکن جس کو یہ مفہوم تھا کہ اس پہ کنسرنٹ ہے کہ اس پہ چونکہ آرمی کا مسئلہ ہے، اور جس طرح پاکستان کے سرحدوں کی صورت حال ہے، ایسٹرن بارڈر پہ ٹینشن ہے، کشمیر کے جو مسائل ہیں، افغانستان کے ساتھ جو ہیں، جس طرح انٹرنیشنل سنیری ہوئے، تو ہمیں کم از کم اس مسئلے پہ اس عہدے کو کنٹروورشن ہی بنانا چاہیے، اس پہ اتفاق تھا، تو اس پہ اس لیے حمایت کر رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ آرمی چیف جیسا عہدہ ہے اس کو کنٹروورشن نہ بن جائے، ہماری مختلف بحث سے قسم کی چیزوں سے اس پہ انہوں نے کہا تھا، اس لیے اس پہ زیادہ بات نہ کی جائے، تو اس پہ زیادہ تو وہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ مارتے تھے آپ لوگ، تو آج آپ اپنے ووٹر کو کیا ایکسپلین کریں گے؟ یہ دھاندلی کا الزام کس پہ لگاتے تھے، اور یہ ووٹ کو عزت دو کا مطالبہ آپ کس سے کرتے رہے ہیں آج تک؟ ووٹ کو عزت دو تو مطلب آرمی چیف کا تو اس سے کوئی ایک کی مدت کا تو کوئی اس پہ تعلق نہیں ہے، آرمی تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، مطلب یہ ہے کہ اگر جس کو عوام ووٹ دیں حقیقی میں نے اس کو آگے لایا جائے، تو کس کو آپ کہہ رہے تھے کہ ووٹ کو عزت دو؟ ووٹ کو عزت وہ جو مطلب ہے اس کو ہم اس کو کہہ رہے تھے کہ جو اس کو کس کو اس کو جو طاقتیں کون سی طاقتیں مانیٹر کرتی ہیں، جو تخت اس میں الیکشن کمیشن بھی ہے اور بھی ادارے ہیں، فوج ہے، میں فوج اچھا یہ خلائی مخلوق آپ نواز شریف صاحب الیکشن کمیشن کو کہہ رہے تھے؟ کس کو؟ یہ خلائی مخلوق، خلائی مخلوق تو الیکشن کمیشن کو بھی بہت سے خلائی مخلوق ہے نا آپ کے، جس پہ بتائیں نا کون ہے؟ نہیں ظاہر ہے آپ کوئی تو تھا نا، آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے ہیں ووٹ کو عزت ہو کا نعرہ لگا کے، وہ کیوں ہم ہمارا نعرہ کہ ووٹ کو عزت ہو اس سے ہم ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے، اچھا اور ہم مستقبل میں یہی کہیں گے اور ہمارا نعرہ یہی رہے گا کہ ووٹ کو عزت دو، کہ جو جس کا جو جس کو پاکستان کے عوام منتخب کریں وہی وزیر اعظم، تو یہ آپ کی حکومت کی نااہلی نہیں تھی کہ آپ نے ایسا نظام اور قانون نہیں بنایا کہ وقت پر ایک آرمی چیف جائے اور نئی قیادت فوج میں سامنے آئے، یہ آپ لوگوں کی بھی نااہلی تھی؟ نہیں میرے خیال میں ہماری تو نہیں تھی، یہ کیونکہ فوج ایک منظم ادارہ ہے اور اس کا ایک طریقہ کار تھا، شروع سے چلا آ رہا ہے، اور ایک طریقہ کہ ایک ٹائم اس کو جو ایک ٹائم جو ہے اس کو 3 سال کے لیے ایک روایتی طور پر اس کو مقرر کیا جاتا تھا، اس کے بعد نہیں آ جاتا تھا، ابھی یہ باتیں تو بہت ہوئی ہیں کہ جی کسی نئے کو آنا چاہیے، یہ بھی کسی ڈیل کا حصہ ہے؟ نہیں کوئی ڈیل تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس میں ڈیل ہے، ہمارے تو لیڈرشپ ساری اندر ہی ہے، ادھر اندر ہے، لندن میں بیٹھے ہوئے آپ کے نواز شریف صاحب بھی، شہباز شریف صاحب بھی، مریم بھی ضمانت پہ ہیں، نواز شریف صاحب کی وہ ایس پی ماری مبتلا ہیں جس پہ جس کے ابھی تشویش نہیں ہے اور جس کے بارے میں گمان، لیکن فیصلے تو وہ ابھی بھی بڑے بڑے کر رہے ہیں، دیکھو لیڈرشپ ہے ظاہر ہے وہ جتنا وی این ان کا ہے اس عام پارٹی ورکر کا تو نہیں ہو سکتا، کیا پارٹی کے اندر سپورٹ ہے اس فیصلے کی پارٹی کے لیے؟ ظاہر ہے وہاں جو میں نے محسوس کیا تو وہ مجھے لگ رہی تھی اس پہ، ہاں جو اس پہ تو اس پہ کوئی اکا دکا انہوں نے تو وہ جو دھاندلی کے الزامات آپ لوگ جھوٹے لگاتے رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے رہے ہیں، بیوقوف بناتے رہے ہیں، ان دھاندلی کے الزامات میں نہ تو آپ نے پارلیمنٹ کی کمیٹی میں انکوائری کروائی، اور اب آ کے آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹینشن بھی دیں اور اسی سسٹم کو اسی نظام کو چلاتے رہیں جس کو آپ خلائی مخلوق کہتے رہیں؟ نہیں اس پہ میرے خیال میں یہ دونوں علیحدہ چیزیں آپ ان کو انٹر مکس کر رہے ہیں کہ جو اس پہ خلائی مخلوق کس کو کہتے تھے آج بتا دیں نا، خلائی مخلوق تو پھر میاں صاحب خود بتائیں گے، اس میں بہت سارے وہ آپ کو کیا سکتے ہیں کہ اس خلائی مخلوق مطلب وہی میں نے بتایا نا کہ جو ادارے جو نظر نہیں جن کا ہاتھ نظر نہیں آتا اور جو اثر انداز ہوتے ہیں ان کو خلائی مخلوق کہتے ہیں، مثلاً آپ میرے سے زیادہ زیرک سیاست دان ہیں، آپ کے ساری عمر صحافت میں گزر گئی ہے، تو کون ہو سکتا ہے آپ بہتر میرے سے سیاست سمجھ سکتے ہیں؟ کہتے گل ساڑھے تھے آ گئے تھے سلح ہی کر لو، بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے، یہ وقت بھی آنا تھا، اور خاص کر نون لیگ پر، اس سے تو ایک ہی بات ثابت ہوتی ہے کہ مسئلہ ہمارے کسی ادارے کے ساتھ نہیں، شاید انہی لوگوں کے ساتھ ہیں جو اقتدار کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں گے، ان کے لیے مسئلہ یہ نہیں کہ کس راستے سے اقتدار میں جانا ہے، ان کے لیے مسئلہ ہے کہ کیسے واپس اقتدار میں آنا ہے، ووٹ کو عزت دو، ہم تو ابھی بھی اس پہ قائم ہیں ماشاءاللہ سے، کہنے میں کیا حرج ہے، متی اللہ جان ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی۔
اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔